नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, निरंतर बात करते चले जा रहे हैं बृहस्पति महाराज के बारे में, जिनका गोचर परिवर्तन हो रहा है। वो कन्या राशि को छोड़ करके तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं 12 सितंबर सन 2017 को और 11 अक्टूबर 2018 तक वो इसी राशि में रहेंगे। तो विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वास्तव में दोस्तों, बृहस्पति महाराज नैसर्गिक शुभ फलदायी ग्रह होते हैं, मतलब नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट बोला गया, कोमल प्लैनेट बोला गया, अच्छा प्लैनेट बोला गया। परंतु एक बात कही गई है कि जहां पर भी बृहस्पति महाराज बैठते हैं वहां के फलों में थोड़ी कमी लाते हैं और जहां पर वो देखते हैं उस घर के फलों में वो कुछ बढ़ोतरी करते हैं। दोस्तों, बृहस्पति महाराज जो है, अब हम बात करेंगे कैसा फल देंगे धनु राशि के जातकों के लिए, धनु राशि के लोगों के लिए उनका क्या फल रहेगा। तो दोस्तों, धनु राशि के लोगों के लिए बृहस्पति महाराज का जो गोचर है उनके एकादश भाव में है, उनके डिजायर भाव में है, उनके स्वयं कमाए हुए धन के भाव में है, उनके लाभ भाव में है। तो दोस्तों, वहां पर बैठने के कारण जैसा मैंने आपको बोला कि थोड़ी सी कमी ले आते हैं, तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं उनके स्वयं कमाए हुए धन में हल्की फुल्की कमी जरूर आ सकती है। यानी एक टारगेट ले लीजिए, वो कमाना चाहते हैं 10,000 रुपए, तो उनको 5-6,000 में ही संतोष करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी कमी रहेगी। अगर उनके लिए कोई डिजायर है, कुछ सोच रहे हैं कि मेरा ये डिजायर पूरा हो जाए, घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, वो तो उन डिजायर्स में भी कमी आएगी। थोड़ा सा उनको संतोष करके चलना पड़ेगा बृहस्पति महाराज के इस गोचर के कारण। परंतु एक खुशी की बात यह है कि जो उनकी दृष्टियां हैं, उनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो उनकी 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 पांचवी दृष्टि उनके पराक्रम भाव पे पड़ेगी, उनके छोटे भाई के, उनके वाणी कम्युनिकेशन के भाव पे, कम्युनिकेशन हाउस पे, हौसले के भाव पे। तो कितनी भी कमी यहां पर आ जाए पर फिर भी उनका हौसला एक बरकरार रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि उनकी 7वीं दृष्टि उनके 5वें स्थान पर रहेगी, तो संतान बुद्धि विद्या और प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही उत्तम समय रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उनको कहीं ना कहीं हेल्प भी मिलेगी और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि 5th हाउस हमारी हेल्थ का भी होता है, क्योंकि वो 6 से 12 होता है, तो उनकी हेल्थ को भी अच्छा करेगा। अगर कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम पहले आ रही होगी तो अब वो दूर हो जाएगी और उनको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, उनकी 9वीं दृष्टि जो है उनके 7th स्थान पर आएगी, तो 7th स्थान क्योंकि हमारी डेली इनकम का होता है और हमारे स्पाउस का होता है, हमारे पार्टनर का होता है, तो अगर कुछ मतभेद चल रहे थे पति पत्नी में आपस में या पार्टनर के साथ या डेली इनकम में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही थी, तो भी दूर होंगी और उनमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी, क्योंकि बृहस्पति महाराज एक्सपेंड कराते हैं, चीजों को अच्छा करते हैं, उनकी दृष्टियां बहुत अच्छी होती हैं। यानी ओवरऑल में उनको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। धनु राशि के जातकों के लिए ये 3 दृष्टियां उनकी बहुत बढ़िया रहेंगी। थोड़ी बहुत अगर इच्छा और धन में कमी की भी है, तो कहीं ना कहीं डेली इनकम के भाव को देख करके वो धन को बढ़ाने की भी पूरी क्षमता रखते हैं। बाकी ओवरऑल उनके लिए ये गोचर अच्छा ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरी शुभकामनाएं इन लोगों के साथ है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी समाधान हमारा YouTube चैनल। धन्यवाद।